आपने देखा होगा पहले क्या था कि देश बटा हुआ था, पहले 2019 में सुना था ना CNRC का आंदोलन, क्या बोले थे तो मुसलमान का आंदोलन है। तो आज क्या हो चुका है कि पूरा देश इकट्ठा हो चुका है, चाहे वो किसान की बात हो, लेकिन आज इनके समझ में बात आई है कि सरकार तानाशाही करती है, तुगलकी है, तुगलकशाही करती है, गलत तरीके से कानूनों को इस देश को चला सारा ये देख रही है आप। 2016 में आपने क्या किया था कि जब एक अकेला लड़का कन्हैया कुमार पूरे देश के खिलाफ लड़ रहा था, उसको क्या क्या नहीं बोला, यही लोग, मैं भी मानता हूँ मैं ही इनकी औलाद हूँ, यही लोग क्या बोलते थे कि तो एंटी नेशनल है, वाकई एंटी नेशनल आतंकवादी है। तो लेकिन आज क्या है, उसी लड़के को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले हैं, ये असली राष्ट्रवादी नहीं है, ये राष्ट्रद्रोही। कन्हैया कुमार देशद्रोही नहीं है? बिल्कुल नहीं है, मुझे तो उसी दिन का पता था। बात क्या है कि लोगों को पता नहीं था, एजुकेशन नहीं है। तो आज क्या है कि आज इनको बात क्यों समझ में आई है, क्योंकि इन पे पड़ी है, कल को फिर किसी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन वही तो ना, एजुकेशन लॉजिक को डेवलप करती है, लॉजिक आपके पास होगा तो आप तर्कशील होगे। लेकिन सर आपने कहा कि लोग एकजुट हो गए इस आंदोलन से, ये मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव होने नजर तो नहीं आ रहा वहाँ पर, तो वही फॉर्मूला चल रहा बीजेपी का? चल रहा है ना, तो चलाएंगे, और कोई साधन ही हुए उनके पास, और कोई साधन है? साधन होता है काम करवाए, हमने ये काम करवाया और इसके आधार पर वोट दो, लेकिन इनका साधन क्या है, तोड़ फोड़ वाला, हमने हिंदू मुसलमान का डिवाइड किया है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करी, ये काम रहा है इनका, तो जाहिर सी बात है उसी का यूज करेंगे। और मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि 80% हिंदू के बल तो नहीं होने चाहिए ना, अगर वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ये सांप्रदायिकता देश को खा जाएगी। आप देखो ना, जो छोटा सा बच्चा है वो तो सफल हो रहे हैं ना बंगाल में, वो होते रहेंगे लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं होंगे। बंगाल में सफल कहाँ हो रहे हैं आपने, सॉरी कहाँ, किसने बोला आपको? नहीं लग रहा है ऐसे आंकड़े बता, लगने से क्या होता है, आंकड़े उन्हीं के हैं, उनकी मीडिया है, कुछ भी दिखाएं, आंकड़े वही दिखाने वाले हैं ना सर, जितने भी सर्वे होते हैं आज देश के अंदर किससे कैसे होते हैं। आप लोग तो कहते हैं कि बिहार में भी नहीं सफल होंगे, तो बिहार में भी सफल हो, बिहार में कैसे हुए हैं, ईवीएम से जो हैं और वोट मशीन से, हमारी यहाँ मशीन से होंगे, आप मानते कि ईवीएम बिल्कुल है भाई, वो बहुत बड़ा घोटाला है, जिन देशों में मशीन बनती है वो देश इस मशीन का यूज नहीं करते। अमेरिका में ताजा चुनाव हुआ, आपने प्रेजिडेंट का देखा हुआ, बैलेट पेपर से हुआ है, हमारे वाले मशीनों से करवा रहे हैं। हेल्दी सर आप तो पढ़े लिखे हैं, जब ऐसी बात करते तो मुझे समझ में नहीं आता, आप तो TMC के विधायक के घरों मिली, नेता के घर EVM मिली है, तो अब क्या समझा जाए कि TMC भी कर रही है? वो बात वो जाने ना यार, मैं TMC का कार्य करता हूँ क्या? नहीं नहीं, आपने कहा EVM से गड़बड़ हो रही, तो दोनों तरफ से कर रहे हैं ना फिर, इसका मतलब तो गड़बड़ हो, बीजेपी नेता के घर EVM मिल रही है तो TMC के घर भी तो मिल रही है ना सर? हाँ, गड़बड़ होने का मतलब ये नहीं, घर के अंदर होगी तो गड़बड़ करके लेके जाएगा वो सबसे पहले अपने आप, उसका सिस्टम ऐसा अपने आप हैकिंग करके उसको ऐसा कर दिया जाता है कि वोट किसी को डालो उसी हो जाएगी। तो यहाँ दिल्ली में हैकिंग नहीं हुई, राजस्थान में हैक नहीं हुई, हुई थी तभी तो, झारखंड में नहीं हुई तभी तो बोला, अगर मैं बोल रहा हूँ भाई आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी बोल दो, लेकिन सवाल है किसी चीज पे, सवाल है तो सवाल को बात से हल किया जा सकता है, लेकिन बात नहीं हो रही तो ये चीजें सब आप जवान, चुनाव आयोग किसका है यार, तो आप बता दो, इलेक्शन कमीशन किसका है, किसका है? पिछले दिनों सुना नहीं था आपने अशोक लवासना और सुनील अरोड़ा केस, क्या हुआ था उसका? पपेट है के प्यादा बन चुका है, सबको पता है इस सरकार में क्या हो रहा है, आपको पता होगा, ताजा उदाहरण बता दूं मैं, दूर क्यों जा रहे हो, 24 जवान शहीद हो गए हैं, CRPF के जवान थे वो, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है पैरामिलिट्री, और वही होम मिनिस्टर बंगाल घूम रहे हैं 1 साल से वोट मांगने, वो दिखते तभी है जब चुनाव होता है, जब तोड़फोड़ की बात होती है, दंगे की बात होती है, सांप्रदायिकता की बात होती है, तभी दिखते हैं। काम की बात पे कभी सुने आपने आके बोला कि हमने ये दिखाया, कभी दिखाते हैं पर्चा? 370 बिल्कुल बता रहे, तो काम की बात है, अगर हटाइए तो उन लोगों को बंद क्यों कर रखा है? ये तो आप लोगों ने खूब पीटी, मैंने तो नहीं पीटी, आपने पीटी हो तो बताया, नहीं नहीं आपने पीटी हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने तो नहीं पीटी। कोई भी काम करना संवैधानिकता है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, उसके थ्रू जाना पड़ेगा ना, संविधान में लिखा था कि लोगों की सरकार है वहाँ पे, उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके अगर बदला जाएगा तो दूसरी बात संवैधानिक है वो, बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से उसको रिपील किया था, हटाया गया था, और ऊपर से क्या बोला था कि इसका रीजन का विकास होगा, कंपनियां आएंगी, तो बंद क्यों कर रखा है? इंटरनेट से आज क्या चलता है, ये इंटरनेट है आप उठा रखा, जो हमारी आवाज देश में लोगों तक पहुंचती है किसान की, ये इंटरनेट के कारण, सोशल मीडिया के कारण, तो बंद क्यों कर रखा है आज? क्या नहीं होता इंटरनेट से? जो डिजिटल इंडिया की बात करते हो कैसे आता है, वो गोबरमूत्र से चलता है क्या, इंटरनेट से चलता है, तो बंद क्यों कर रखा है? लेकिन जब वो लोग, जो कुछ लोग गलत बता रहे इस देश में कि सरकार ने गलत किया, तो कह रहे टुकड़े टुकड़े लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग गए, टुकड़े टुकड़े गए मतलब फांसी तोड़ लो ना, कौन है वो, गिरफ्तार कर लो, कार्रवाई कौन करेगा? आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आप बोल रहे हो कि मैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाला हूँ, तो कार्रवाई करें ना, आप कार्रवाई करती है तो फिर भी दिक्कत होती है आपको? किसको दिक्कत होती है? आप लोगों को दिक्कत नहीं होती भाई साहब, ये
किसी से कोई एंटी नेशनल है साबित किया है तो क्या दिक्कत है? किसने बोला आपको? किसके खिलाफ खड़े हुए हम? अगर किसी ने आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा है, कुछ गलत किया है, अपराधी है, हम उसका साथ देंगे क्या? हम पागल हैं? बांग पी के हैं क्या हम? लेकिन सरकार ने तो कहा, आपने अभी कहा कि कन्हैया कुमार ठीक था, लेकिन वहाँ तो कहा जा रहा है अंडर ट्रायल है वो मामला, उस पर मैं ये बरी नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल ये मानो कि लड़का उसके बाद ना मैं उसका कोई साथी ना जानता हूँ, बस मैंने देखा है जैसे आपको जानता हूँ वैसे उसको जानता हूँ। लेकिन क्या है कि मतलब उसने सवाल उठाया था उस लड़के ने, वीडियो जो डॉक्टर था आपने देख चुके हैं, सबके सामने आ चुका है, तो इसलिए उसको फंसाया गया। तो और भी बहुत सारे हैं, अब उम्र खाली उसका देख लो ना आप, यूपा के चार्ज लगा रखे हैं। एक तो आप देखिए, मैंने यूपीएससी की तैयारी की है, 10,000-20,000 आप पेट पढ़ लोगे तो विद्वान बन जाओगे, उसकी चार्ज शीट फाइल की ना तब उम्र खालिद की 11,00,000 पेज की थी। इस देश में 11,00,000 पेज कौन पढ़ रहा है? कौन सा वकील है, कौन सा जज है 11,00,000 पेज पर पेट को पेजों को पढ़ के उस पर फाइल कर रहा चार्ज शीट? ये भी झूठ होगा, आप लोग कहते सब झूठ होता है, बिल्कुल झूठ है। जो सवाल उठाएगा, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो जेल में जाएगा, सवाल जेल में जाएगा, चाहे पुलिसी पार्लियामेंट में जाएगी, एनएसए का यूज जेल में, किसान में तो आवाज उठा रहे हैं, जात गए नहीं जेल में, आपको नहीं पता 26 जनवरी कितने सारे बंद हैं, वो डेली एक एक करके छूट रहे हैं, एक एक करके छूट रहे हैं, जेल में डाला था। नहीं, नहीं, वो तो हिंसा के कारण हुआ था। हिंसा किसने करी थी आप बता दो? किसी ने भी करी, हिंसा तो हुई ना 26 तारीख, लेकिन हिंसा की थी तो जिसने की तो जेल में गया है, लेकिन गरीब तरीके से गया है ना, वो सब कुछ प्री प्लान था, आपने देख चुके हैं ना। दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री ने जानबूझ के बोला था कि इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना। इस 4.5 महीने होने वाले हैं, क्या सफलता मिल रही है आपको? कोई सफलता मिलती? सफलता यही है कि देश का सीएनआरसी बन गया, ये भी आंदोलन? बिल्कुल नहीं बना, ये दिमाग से निकाल दो आप। सीएनआरसी को आप अलग क्यों ले रहे हो? भी देश का आंदोलन था, हमारा आंदोलन था, मेरा आंदोलन था, 15 दिन से अपना हो गया। नहीं नहीं, मेरा तो पहले दिन से है, मैंने बोला ना मैं इनकी औलाद हूँ, लेकिन ये हम सवाल कर रहे हैं सीएनआरसी, मना करते हैं किसान की उसका कोई मतलब? भाई वो मना कर देंगे, उनके अलावा अपना अपना दिमाग होता, आपका अपना दिमाग है, मेरा अपना अपना, समझ रहे हो? लेकिन मुझे क्या, एक तरफ तो आप कहते हैं सब एक है, फिर अलग अलग भी हो जाते हैं सब। एक होने का मतलब है किसान के झंडे के नीचे एक, देश तो एक है ना, लेकिन आपकी अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है, अलग सोच हो सकती तो है। वो भी आंदोलन किसानों का था? किसानों का बिल्कुल था, देश के नागरिक है, सेक्युलरिज्म आपने सुना नहीं? देश के संविधान में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की बात की गई थी, तो उसको मतलब हटा के उसको तोड़ के वो कानून पास किया गया था। लोगों को आरसी का आंदोलन कंटिन्यू चलता है और आगे चलेगा, रुका हुआ है। मैं तो पहले क्या किसान जाएंगे उसमें? बिल्कुल जाएंगे, नहीं जाएंगे तो अभी भुगतेंगे भाई, क्योंकि अकेले ही बैठे, अकेले वो बैठे थे, ऐसे तो टूट जाएंगे, ऐसे तो देश खत्म हो रहा है। 2018 में क्या हुआ था? दलितों का आंदोलन था, बीमा कोरे गांव, 2019 में ये था, आज ये है, बेटियों के साथ रेप होता तो अलग खड़ी होती हैं, एसएससी वाले अलग खड़े हैं। तो जब तक एकत्रित नहीं होगे, ये संगठित नहीं होगे, तो अकेले से तो तोड़े जाओगे, ऐसे खत्म किए जाओगे। तो आगे कोई भी आंदोलन तो देश को इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको साथ आना पड़ेगा। ये आंदोलन आपका नहीं है, मेरा नहीं है, ये आंदोलन हम सबका है, ये आंदोलन देश का है।